हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन प्रिंस एजुकेशन हब सीकर। दिस योर साइंस पीरियड। टुडे वी हैव स्टार्ट इन चैप्टर नंबर 16 इन ए लाइट। न्यू टॉपिक इज ब्लाइंड स्पॉट। तो हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, सुनो ध्यान से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट? तो ब्लाइंड स्पॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना के बीच में अगर देखा जाए, हमारे पास क्या है बेटा, ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना के बीच में हमारे पास क्या होता है, सेंसरी सेल्स नहीं होते। याद रख लेना, हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना के बीच में सेंसरी सेल्स नहीं होते, और इस पॉइंट पे, इस स्पॉट पे हमारे पास कोई भी विजन नहीं होता, और उस विजन को क्या बोलते हैं बेटा, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम अंधापन भी बोल देते हैं, ठीक है, या अंधबिंदु भी बोल देते हैं। ओके, कि हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट क्या है, एक ऐसा स्पॉट जो कि किसके बीच में होता है, रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स के बीच में होता है, जहाँ की हमारे पास कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होते, कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी विजन नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई विजन नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास कि कुछ एक्टिविटी करते हैं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट की सबसे पहली एक्टिविटी हमारे पास क्या है, सुनो ध्यान से। हमने क्या करना है बेटा, आपने क्या करना है, कोई भी पेपर लेना है। ठीक है, पेपर ले लिया, पेपर के ऊपर आपने क्या करना है, ऐसे मान लो ये पेपर ले लिया, पेपर के ऊपर आपने एक तो ऐसे डॉट स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है, बड़ा सा, और एक ऐसे क्रॉस स्ट्रक्चर बना लेना है। ओके, डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बना लेना है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम से कम क्या होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए, डॉट और क्रॉस के बीच में। ओके, अब डॉट और क्रॉस के बीच में इतनी डिस्टेंस है, अब हमने क्या करना है, सुनो ध्यान से, इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले एक आंख को बंद कर लेना है। जैसे मैंने ये मान लो कि राइट हैंड को, राइट आईज को मैंने बंद कर दिया, और इस आंख से मैं क्या कर रहा हूँ, इस ये जो हमारे पास क्या है, ये जो राउंड वाला स्पॉट है, ठीक है, ये जो मैंने लगा रखा है इसको मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो राउंड वाला हमारे पास सिंबल है, मैं इसको ये बंद कर रहा हूँ और इस आंख से देख रहा हूँ। ठीक है, तो बार बार मैंने क्या करना है बेटा, एक आंख से इसको देखना है। ठीक है, देखते रहना है, देखते रहना है। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो पेपर है, पेपर को अपने पास में लेके आऊँगा। ठीक है, मान लो कि ये पेपर को पास में लेके आ रहा हूँ और ये मैंने आंख बंद कर रखी है। जब मैं पेपर को पास लेके आऊँगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरे को ये जो क्या है हमारे पास, राउंड सिंबल है ये तो दिखाई देगा, लेकिन ये जो क्रॉस सिंबल है ये मुझे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये जो राउंड सिंबल है ये मुझे दिखाई देगा, लेकिन ये जो क्रॉस सिंबल है ये मुझे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? अब इस एक्टिविटी को आप दोहराइए दोबारा। ठीक है, दोबारा रिपीट कीजिए। अब इस एक्टिविटी को कैसे रिपीट करना है आपने, अब आपने क्या करना है, क्रॉस को देखना है। अब आपने क्या करना है, क्रॉस को देखना है, लेकिन आपने क्या करना है, इस आंख को ऐसे बंद कर देना है, इस आंख से देखना है। ओके, अब इस आंख से देखना है, तो हमने इस क्रॉस को इस आंख से ऐसे करके देख रहे हैं। ठीक है, देखते रहना है एक आंख से। ठीक है, जब एक आंख से इसको देखते रहेंगे, फिर क्या करना है, वही काम, जब एक आंख से देख रहे हैं तो उस चीट को अपने पास में लेके आना है। जब पास में लेके आएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मेरे को सिर्फ क्रॉस दिखाई देगा, ये मेरे को दिखाई नहीं देगा। तो इसके पीछे रीजन क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जो राउंड वाला है वो मेरे को दिखाई दे रहा है, क्रॉस वाला दिखाई नहीं दे रहा, या फिर क्रॉस वाला मेरे को दिखाई दे रहा है, राउंड वाला चीज दिखाई नहीं दे रही, मतलब डिसअपीयर हो रहा है, मतलब इनमें से दोनों में से एक चीज क्या हो रही है, डिसअपीयर हो रही है। ठीक है, जब हम लेफ्ट और राइट आईज क्या कर रहे हैं बेटा, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, बंद कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बेटा हमारे पास कि रेटिना के ऊपर हमारे पास क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारे पास लाइट फॉल डाउन नहीं हो पाती। तो रेटिना के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे लाइट फॉल डाउन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें सिर्फ एक की इमेज दिखाई देती है, दूसरी की इमेज दिखाई नहीं देती, या इसकी इमेज दिखाई देगी, इसकी इमेज दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है किसका, ब्लाइंड स्पॉट का। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है एक तरह से, मतलब डिसअपीयरेंस होती है, एक चीज दिखाई देती है, दूसरी दिखाई नहीं देती। ओके,
तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, मैंने आपको बता दिया था कि रेटिना के ऊपर हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर लाइट फॉल डाउन नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो हमारे पास रेटिना है वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन को सिग्नल नहीं भेज पाती। अगर ब्रेन को सिग्नल नहीं भेज पाएगा तो हमें दिखाई नहीं देगी वो चीज, ओके। तो इसलिए ऐसा होता है, ओके। नेक्स्ट देखो, हमारे पास जो डिसअपीयरेंस है, हमारे पास किसी भी, मान लो कि कोई भी हम किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, उसकी इमेज हमारे दिमाग के अंदर या हमारी आईज के अंदर, देखा जाए रेटिना के ऊपर, हमारी आईज के अंदर रेटिना के ऊपर कम से कम क्या रहती है, 1 सेकंड के 1/16 पार्ट तक उसके अंदर स्टोर रहती है, ठीक है। मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने देख लिया, जैसे मैंने क्रॉस को देख लिया, ठीक है, अब मैंने क्रॉस को देख लिया, अब 1 सेकंड के कम से कम 1/16 पार्ट तक मेरी जो रेटिना है उसके ऊपर इसकी इमेज, क्रॉस की इमेज रहेगी, लेकिन उसके बाद इसकी इमेज हट जाएगी, ठीक है। मतलब 1 सेकंड के कम से कम इतने पार्ट, इतने डिवाइड, 1/6 पार्ट, इतने तक सिर्फ इमेज मेरे पास रहती है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड के अंदर सिर्फ इमेज, मैं सिर्फ एक बार क्रॉस को देखूंगा, उसके बाद मेरे से क्या हो जाएगा, इसकी इमेज हट जाएगी, ठीक है। अब मैं कई और ध्यान दे रहा हूं तो मैं, अब क्रॉस की इमेज मेरे से हट चुकी है, ठीक है। तो ये काम किस में होता है बेटा, माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड के अंदर होता है, सेकंड के 1/16 पार्ट तक ये काम होता है। उसके बाद जब हम नई चीज देखें तो उसकी इमेज हमारे सामने आ जाती है, पीछे वाले की इमेज हट जाती है, ओके। अब देखो हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1 सेकंड के अंदर 1/16 पार्ट, ठीक है, इतने देर तक हमारे पास इसके अंदर स्टोर रहता है। अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमें मूव करता हुआ क्यों दिखाई देता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमें मूव करता हुआ क्यों दिखाई देता है, जब हम 24 पिक्चर पर सेकंड देख लेते हैं, ठीक है, 24 पिक्चर पर सेकंड एक साथ देख लेते हैं, तो तभी हमें वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि 1/16 पर सेकंड का टाइम होता है। अगर 16 पर सेकंड के टाइम से अगर नीचे है तो वो ऑब्जेक्ट हमें मूविंग करता हुआ दिखाई नहीं देगा। मान लो कि एक टाइम पे अगर हमने 15 पिक्चर देख ली हैं, एक टाइम पर अगर हमने 15 पिक्चर देखी हैं, तो उसकी इमेज हमें दिखाई नहीं देगी, वो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर एक टाइम पे हमने 20 पिक्चर पर सेकंड देख ली हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हमें मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है हमें, वो मूव करता हुआ कब दिखाई देता है, जब हमारे पास क्या करें हम 24 पिक्चर पर सेकंड देख लें, तो वो ऑब्जेक्ट हमें चलता फिरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब ये कैसे दिखाई देता है, उसके लिए भी हम आगे एक और एक्टिविटी डन करेंगे, ठीक है। तो आगे एक और एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमें ऐसे मूव करता हो क्यों दिखाई देता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा, कि कोई भी जो पिक्चर है हमें वो मूव करती हुई कब दिखाई देती है, इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कब हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्या होता है हमारी आईज के अंदर कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है, तो इस एक्टिविटी से समझेंगे। ये जो एक्टिविटी है क्या, सबसे पहले क्या करना है बेटा, इस एक्टिविटी के अंदर आपने दो शीट ले लेनी है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, 2 शीट ले ली है, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर की ले लेनी है, 6 से 8 सेंटीमीटर के बीच में, ओके, 2 शीट ले ली हैं। एक शीट पे आपने क्या करना है बेटा, किसी भी बर्ड की इमेज को ड्रॉ करना है, तो मैंने यहाँ पे बर्ड की इमेज को ड्रॉ किया गया है एक शीट पे। दूसरी शीट पे आपने क्या करना है, केज को ड्रॉ करना है। केज क्या होता है, जिसको पिंजरा बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बर्ड को रखा जाता है उसको बोलते हैं केज या पिंजरा, ओके। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने क्या बनाया, बर्ड बनाया, दूसरी तरफ मैंने क्या बनाया है बेटा, यहाँ पे केज बनाया है, ओके। अब क्या करना है, शीट के एक तरफ हमने होल लगाना है, दूसरी तरफ भी होल लगा दिया, इस तरफ भी होल लगाना है, इस तरफ भी होल लगाना है। अब इसमें से स्ट्रिंग को लेके जाना है, इस होल में से, स्ट्रिंग मीन्स रस्सी, रस्सी को इसमें से लेके जाना है, यहाँ पे ऐसे लेगी, ठीक है। अब क्या करना है हमने, देखो इसके ऊपर हमने बर्ड बना लिया, इसके ऊपर केज बना लिया, दोनों तरफ होल लगा दिए, होल में से स्ट्रिंग को पास आउट करवा दिया। अब क्या करना है हमने बेटा, इनको आपस में ऐसे अटैच कर देना है, ठीक है। जब इनको आपस में अटैच करेंगे तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास बर्ड है इसको ऐसे इसकी ओर मूव करवाना है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर, जब बर्ड को इसके अंदर ऐसे मूव करवाएंगे तो हमें जो बर्ड है,
ठीक है, मतलब इसको आपस में ऐसे चिपकाएंगे, ट्विस्ट करवाएंगे, तो उस वक्त क्या होगा इसके अंदर बेटा, ये जो बर्ड है हमें वो पिंजरे के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मतलब जो ये हमारे पास बर्ड है वो पिंजरे के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास, ये जो बर्ड है वो हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अंदर। इसके पीछे यही रीजन है, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमारे पास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर उस ऑब्जेक्ट के हम कम से कम 24 पिक्चर या 20 पिक्चर पर सेकंड देख लेते हैं एक साथ एक सेकंड के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो केज है, केज के अंदर ऐसे डिवाइड पैटर्न लगा हुआ है, जब इसको आपस में क्या करेंगे ऐसे ट्विस्ट करवाएंगे तो हमें बर्ड मूव करता हुआ इसके अंदर क्या दिखेगा बेटा, दिखाई देगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें मूव करता हुआ कब दिखाई देता है, सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास यहां पे देखो, अगर हमारे पास 16 पिक्चर पर सेकंड की हम एक साथ देख लें, ठीक है, 16 पिक्चर जो है पर सेकंड की एक साथ देख लें, तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता हुआ दिखाई देता है। जैसे मान लो कि कोई पिक्चर होती है, आप मूवी के अंदर देखो, मूवीज के अंदर क्या होता है, आपको पिक्चर चलती हुई कैसे दिखाई देती है, उसके अंदर क्या होता है मूवी के अंदर, तो मूवी के अंदर ऐसा ही होता है कि आपको पिक्चर चलती हुई दिखाई देती है, आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि मूवी के अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर सीक्वेंस में पिक्चर को ड्रॉ किया होता है, प्रॉपर सीक्वेंस में पिक्चर को ड्रॉ किया होता है, उसमें 24 पिक्चर पर सेकंड के सीक्वेंस में ड्रॉ किए होते हैं। ठीक है, तो 24 पिक्चर पर सेकंड के सीक्वेंस में ड्रॉ कर रखे हैं, हमें चाहिए कितने, 16 पिक्चर पर सेकंड चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, 24 पिक्चर पर सेकंड के बन रहे हैं, मतलब इससे भी ज्यादा बन रहे हैं, तभी ऑब्जेक्ट जो है हमें तेजी से मूव करता हुआ दिखाई देता है, किसके अंदर, पिक्चर के अंदर या मूवी के अंदर। अगर मान लो कि हमारे पास यहां पे 10 पिक्चर बन रहे हैं पर सेकंड के, यहाँ पे कितने बन रहे हैं बेटा, 10 पिक्चर बन रहे हैं पर सेकंड के, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा। जब तक हमारे पास पर सेकंड के 16 पिक्चर सीक्वेंस के अंदर नहीं बनेंगे, तब तक हमें ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा। और मूवी के अंदर क्या होता है, 24 पिक्चर पर सेकंड के सीक्वेंस के अंदर बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से मूवी हमें चलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया, हमने जान लिया कि आइस के अंदर ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारे पास हमें कोई भी चीज मूव करती हुई दिखाई देती है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्या होता है, आपने देखा होगा हमारा जो आइस है एक वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आइस क्या है बेटा, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हमें सराउंडिंग एरिया की चीजें देखने का मौका मिलता है। अगर हमारी आईज ना हो तो इसके बिना हम देख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये एक सेंस ऑर्गन होता है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। फिर क्या होता है, आईज के अंदर क्या होती है बेटा, आईलिड्स होती हैं। आईलिड्स क्या होती हैं, ये जो पलकें होती हैं, ठीक है, ये जो हमारी आईज के ऊपर पलकें होती हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आईज के लिए। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, ये जो हमारे पास आईलिड्स होती हैं जिसको हम पलकें बोलते हैं, ये हमें डस्ट पार्टिकल इन चीजों से हमारी आईज को प्रोटेक्ट करके रखती है, और ज्यादा लाइट जो है हमारी आईज के अंदर एंटर नहीं होने देती। तो आईलिड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसके अंदर बेटा, आईज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास आईज से हम क्या कर सकते हैं बेटा, पास का या दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई हमें देता है। ऐसा ही होता है ना, आई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हमें दूर की चीज और पास की चीज दोनों अच्छे से दिखाई देती है। कई बार क्या होता है बेटा, हमारे पास एज के बढ़ने के साथ साथ हमारे पास हमें दूर की चीज या पास की चीज अच्छे से दिखाई देना बंद हो जाती है, मतलब हमें धुंधली धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, वो कैसे होता है बेटा, ड्यूरिंग दी एज, एज के कारण हमारे पास क्या होता है, हमें दूर की चीज अच्छे से दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, अगर मान लो कि हमारे पास जैसे अडल्ट एज है, ठीक है, हमारी यंग एज है, तो यंग एज के अंदर अगर मान लो कि कोई बुक्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, मान लो कि हम कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो हमें अपने में से जो बुक पढ़ रहे हैं उतनी उसकी कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि हमें अच्छे से क्लियरली वो वर्ड दिखाई दें, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर, याद रख लेना कि किसी भी
ऑब्जेक्ट को हम अगर रीड कर रहे हैं, किसी भी वर्ड को रीड कर रहे हैं, तो हमारी आइज के ऊपर कोई भी प्रेशर ना पड़े या हमारे ब्रेन के ऊपर कोई भी प्रेशर ना पड़े, तो इतनी डिस्टेंस से हम उसको अच्छे से देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर से। 25 सेंटीमीटर से दूर रखें बुक्स को, अच्छे से वर्ड देखे जा सकते हैं। अगर उस पास में लेके आएंगे तो हमारी आइज के ऊपर या हमारे ब्रेन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी से हम अच्छे से किसी भी बुक्स को रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, मैंने आपको कहा था कई बार क्या होता है, एज के बढ़ने के साथ साथ दूर की चीज़ें हमें अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं या पास की चीज़ें हमें अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। कई बार पर्सन के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा किसी पर्सन को पास की चीज़ें तो अच्छे से दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देती। कई बार क्या होता है, किसी पर्सन को पास की चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देती लेकिन दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं। इस तरह के जो डिसीजेज होते हैं उनको कैसे सही किया जाता है बेटा, लेंस के द्वारा सही किया जाता है। वो लेंस कौन से होते हैं, जैसे कॉनकेव लेंस हो गया या कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। इनके द्वारा हमारे पास पास में या दूर का कोई ऑब्जेक्ट हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता, इस तरह के आई डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, लेंस का यूज करते हैं। उसके बाद लगाओ एक और हमारे पास डिसीजेस होता है जो ओल्ड एज के अंदर होता है। आपको सुना होगा ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी आईज के ऊपर, आई जो लेंस होता है उसके ऊपर क्लाउड सा दिखने लग जाता है, मतलब आईज उसकी क्या हो जाती है, फोगी हो जाती हैं। आईज उनकी क्या हो जाती है बेटा, फोगी हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो लेंस होता है आईज का वो क्लाउडली हो जाता है ऊपर से, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटरेक्ट बोलते हैं, कैटरेक्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोतिया। आपने सुना होगा मोतिया के बारे में कि किसी पर बूढ़े पर्सन को मोतिया हो चुका है तो वो ब्लैक सी बाद में ऑपरेशन के बाद ब्लैक सी एनक लगाता है, ठीक है, देखा होगा ना आपने सभी ने। हाँ, तो वो क्या होता है, कैटरेक्ट होता है, मोतिया होता है, कि जो हमारा लेंस होता है, ठीक है, तो लेंस के ऊपर क्लाउड सा बनने लग जाता है, क्लाउडी सी हो जाता है लेंस, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, उस पर्सन को अच्छे से दिखाई नहीं देता। अब क्या करते हैं बेटा, मोतिया से बचने के लिए आजकल आर्टिफिशियल लेंस यूज करते हैं, मतलब इस लेंस के ऊपर आर्टिफिशियल लेंस को यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इस तरह की डिसीजेस दूर हो जाती है, ठीक है। तो आजकल मॉडर्न टेक्निक आ चुकी है, जो मोतिया होता है उससे भी बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, आर्टिफिशियल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपने किसके बारे में पढ़ लिया बेटा, आईज के बारे में पढ़ लिया है अच्छे से, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा केयर ऑफ दी आईज। आईज की जो केयर है वो हमने कैसे करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आईज की केयर के लिए क्या क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हो, अगर मान लो कि आईज की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर वो नहीं सही हो रही तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं। सबसे पहले यही करना है कि आप अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है, उससे ही, उसकी एडवाइस से ही आप कोई ना कोई दवाई लें, ठीक है। तो आपने घर में उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, ठीक है, अगर आप सही नहीं हो रहे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए अगर आपकी आईज के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ओके। नेक्स्ट क्या है, यूज स्पेक्टल्स। अगर डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहा है कि आपको स्पेक्टल्स यूज करने चाहिए तो आपको यूज करने चाहिए स्पेक्टल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज। हद से ज्यादा लाइट या कम से कम लाइट, दोनों चीजें हैं, हद से अगर ज्यादा लाइट हो या कम से कम लाइट हो, दोनों ही आईज के लिए क्या है बेटा, बैड है, ठीक है। मतलब हमारे लिए ना तो हमें क्या करना है बेटा, अगर कोई चीज रीड कर रहे हैं ज्यादा लाइट के अंदर, जैसे मान लो कि सन की तरफ डायरेक्टली देख रहे हैं तो सन से कितनी रेज आ रही है हमारी तरफ, वो बहुत ज्यादा लाइट हमारी आईज के अंदर एंटर होगी, वो हमारे लिए खतरनाक है। अगर हम रीड कर रहे हैं किसी चीज को कम लाइट के अंदर तो हमारी आईज के अंदर क्या जा रही है, कम लाइट जा रही है, वो भी इफेक्ट डालती है किसके ऊपर, आईज के ऊपर। थर्ड देखो, डू नॉट लुक एट दी सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली। देखो सन की तरफ आपने डायरेक्टली नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि उससे जो लाइट आएगी वो आपकी आईज को नुकसान पहुंचा सकती है। फोर्थ हमारे पास क्या है, नेवर रब योर आईज, ठीक है, अपनी आईज को रब नहीं करना। क्यों नहीं करना, जैसे मान लो कि आपकी आईज के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल, डस्ट का पार्टिकल चला गया है, जब आपकी आईज के अंदर कोई डस्ट का पार्टिकल जाता है तो आपने आईज को रब नहीं करना, आपने क्या करना है, क्लीन वाटर से या फ्रेश वाटर से आपकी जो आईज है उसको धोना है, वॉश करना है। नेक्स्ट क्या है, वॉश योर आईज फ्रिक्वेंटली विद क्लीन वाटर। हमेशा ही अपनी आईज को क्या करते रहना चाहिए बेटा,
फ्रेश वाटर से धोते रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। हमेशा हमें कोई ना कोई चीज जो है नॉर्मल डिस्टेंस पे क्या करना चाहिए बेटा, रीड करना चाहिए। और मैंने आपको बताया था नॉर्मल डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। इतनी डिस्टेंस से हमें कोई चीज पढ़नी है, इससे दूर नहीं लेके जाना बुक को, इसके पास भी नहीं लेके आना, तो हमारी आईज के ऊपर असर पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विटामिन ए लेना चाहिए, क्योंकि हमें क्या होता है आईज की जो प्रॉब्लम होती है वो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी के कारण हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत हो जाती है, जिसको अंधापन बोलते हैं। तो हमें विटामिन रिच जो डाइट है वो अच्छे से लेनी चाहिए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल लेनी चाहिए, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आईज की केयर कैसे करनी है वो मैंने आपको वन बाय वन बता दिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।